दोस्तों नमस्कार, आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन सवर जाए। ऐसी ही जीवन को सवारने वाली एक कहानी। ज्ञानचंद नाम के एक व्यक्ति थे। ज्ञान उन्होंने अपने भीतर बहुत भर लिया था। नाम के अनुरूप अपने भीतर हर प्रकार का ज्ञान, वो भूगोल का हो, इतिहास का हो, सामान्य जो घटना घट रही है, जनरल नॉलेज का हो, हर प्रकार के शास्त्र का उन्होंने रट लिया था। और उनका उनके भीतर इतना घमंड आ चुका था कि वे उससे जिससे भी मिलते उसे नीचे दिखाने की कोशिश किया करते थे। अपने ज्ञान के बल पे लोगों को दबाने की कोशिश किया करते थे। ऐसे ही एक दिन वे गंगा के तट पर पहुंचे। अब गंगा के नाव पर बैठकर उन्हें एक तट से दूसरे तट की ओर जाना था। नाव पर जो है वह नाविक भी बैठा हुआ था, कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। वे नाविक के निकट ही बैठे थे। बात बात में उन्होंने नाविक से कहा। नाविक अनपढ़ व्यक्ति था, उसने ज़्यादा पढ़ा लिखा ना, उसे अपने काम से मतलब था। और जब वे नाविक के पास बैठते हैं तब वहाँ पे भी वे अपने ज्ञान की बघारने के लिए, अपने ज्ञान का घमंड दिखाने के लिए उससे बातचीत चालू करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूगोल की जानकारी है। अब वह नाविक जिसने कभी कोई पढ़ाई ही नहीं की थी, भूगोल क्या, इतिहास क्या, वह जानता ही नहीं था, उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं भूगोल वूगोल क्या होता है मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तब यह उसे नीचे दिखाने की कोशिश में बोलते हैं कि तब तो तुम्हारी पैर जो है आधा पैर पानी में डूबा ही समझ लो, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है अगर तुम भूगोल के बारे में नहीं जानते। अब वे भूगोल के बारे में विभिन्न विभिन्न तथ्य उस नाविक को बताने लग जाते हैं। कुछ देर बाद भूगोल का ज्ञान जब खत्म हो जाता है तो वे इतिहास पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई या पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसका विस्तृत मालूम है। तब यह नाविक कभी स्कूल गया नहीं था बेचारा, ना उसे पानीपत की लड़ाई के बारे में मालूम, ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मालूम। वह बोलता है कि नहीं श्रीमान, मुझे यह भी नहीं मालूम है। तब उसे कहते हैं कि तब तो तुम्हारी ज़िंदगी आधे कमर तक पानी में चली गई है, तुम्हारा जीवन ही बेकार हो गया है, तुम्हें अपने इतिहास, महान इतिहास के बारे में नहीं मालूम, भारत के महान इतिहास से तुम अनभिज्ञ हो। तब यह नाविक कहता है कि श्रीमान, मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, बचपन से ही मैं यह काम कर रहा हूँ और मुझे पढ़ने का, ज्ञान पाने का अवसर ही नहीं मिला। तब यह हंसते हैं क्योंकि इनके अहंकार को और पोषण मिलता है। थोड़ी देर बाद अब वे धर्म पर आ जाते हैं, आध्यात्मिक बातें करने लगते हैं। बेचारा नाविक उससे भी अनभिज्ञ होता है, वह मना कर देता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, ना मुझे रामायण के बारे में मालूम, ना मुझे महाभारत के बारे में मालूम, ना मुझे आध्यात्म के बारे में मालूम, ना मुझे जीवन को बदलने वाले फलसफों के बारे में मालूम। अब यह उसे और नीचा गिराने की कोशिश करते हैं कि तुम आध्यात्म के बगैर, धर्म के बगैर तुम कैसे खुश रह सकते हो, हमारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, और विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक बातें हैं उसके ऊपर वे लादने की कोशिश करते हैं। बेचारा नाविक वहाँ पर तड़प कर रहता है, उसे ऐसा लगता है जिसे किसी ने उसे गला दबा दिया है, क्योंकि यह बड़ी बड़ी बातें, भारी भारी बातें, जो शास्त्र की, ज्ञान की, बड़ी बड़ी किताबों की बातें, वो बेचारा नाविक के किस काम की। उसे तो अपना काम करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना, और अपनी ज़िंदगी में वह खुश है, लेकिन यह बड़ी बड़ी बातों से वह भोजिल महसूस करने लगता है। थोड़े ही देर में मौसम बदलता है। अब मौसम बदलता है, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और नाविक तब वहाँ बैठे हुए सारे लोगों से कहता है कि शायद तूफान आने वाला है, यहाँ किस किस को तैरना आता है वे तैयार हो जाएं, हो सकता है तैर कर इस गंगा को पार करना पड़ जाए। तभी है नाविक ज्ञानचंद जी से पूछता है कि श्रीमान, क्या आपको तैरना आता है। तब यह श्रीमान कहते हैं कि नहीं, मुझे तो तैरना वैरना आता ही नहीं है। तब यह नाविक स्थिति को भांपते हुए कहता है कि श्रीमान, तब तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही पानी में चली गई। और इतना कहकर वह पानी में छलांग मारकर, और बाकी जो लोग बैठे होते हैं पानी में छलांग मार कर तैर कर गंगा तट पार कर जाते हैं। यह श्रीमान जो है ज्ञानचंद जी, जो शास्त्र के और विभिन्न प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत थे, वे गंगा जी में ही बह जाते हैं, नाव वहीं पलट जाती है तेज हवा से। तो दोस्तों, यही कहानी का आपको सीख जो देती है, यह वह है कि आपको ज्ञान तो लेना है, लेकिन वह ज्ञान किस काम का, वह ज्ञान जो मेरे जीवन को बदले, उस ज्ञान से मैं एक अच्छा इंसान बनूं, विनम्र इंसान बनूं। अगर वह ज्ञान आपको अहंकार की ओर ले जा रहा है, अगर वह ज्ञान के बल पर आप दूसरों पर दबाव लाने की कोशिश करते हैं, तो वह एक प्रकार की हिंसा ही कहलाती है। ज्ञान वह जिससे आपका जीवन सुधार में आए, ज्ञान वह जिससे आपका जीवन अच्छा बनाए, आप एक अच्छे इंसान बने, मानवता आपके भीतर आए,
ऐसे शास्त्र ऐसे ज्ञान को रट कर ले लेने से वह सामान्य ज्ञान नहीं बन जाता, कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं। किस स्थिति में किस अनुरूप आपको बर्ताव करनी है, कहाँ पर क्या बातचीत करनी है, कहाँ पर विनम्रता रखनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, तब यह ज्ञान आपके जीवन में सचमुच में आपकी सफलता के लिए आपके विकास के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया है जो आपके भीतर अहंकार ला रहा है, किसी के लिखे हुए शास्त्र को आपने रट कर सोच रहे हैं कि आपने बहुत कोई महान काम कर लिया, तो वह आपके जीवन के कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि जिसने शास्त्र लिखा वह उसका अनुभव था, उसने अपने अनुभव को उस शब्दों में लिखा, उस पंक्तियों में लिखा जिसे आप रट कर सोचते हैं कि आपने ज्ञान को पा लिया है, जबकि वह ज्ञान बहुत असीमित है। जब तीन वेद की रचना हुई तब चौथे वेद की जरूरत पड़ी, तब अथर्ववेद आया, तब ब्रह्मा के पुत्रों ने बहुत विरोध किया कि तीन जो वेद हैं वह तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, वह ब्रह्मांड में उतना पर्याप्त है, उसके आगे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन महादेव के कारण चौथे वेद की रचना की गई और चौथे वेद में अथर्ववेद में नए ज्ञान को समाहित किया गया। इसी प्रकार यह ज्ञान अनंत है, विज्ञान जिसे जाना जा चुका है, आध्यात्म जिसकी खोज जारी है, यह ज्ञान यहीं तक है। और अगर आप इस ज्ञान विज्ञान और शास्त्र को अपने भीतर समाहित करके अगर अहंकार में आते हैं तो यह आपके जीवन के लिए एक भार ही हो सकता है। हम सीढ़ी से चढ़ने का काम करते हैं, सीढ़ी के जीनों को, सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं उसको लेकर अपने ऊपर टांग कर नहीं चल सकते, क्योंकि यह आपके बहुत काम है। इसी प्रकार धर्म हमें ऊपर की ओर, वह ऐसी सीढ़ी है जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है, मानव से देवता तुल्य बनाती है। लेकिन अगर आप उसी सीढ़ी को पकड़ कर कि यह मेरे बहुत काम आती है, यह ज्ञान ही सब कुछ है, और पकड़ कर उसे बोझा बनाकर चलेंगे तो वह आपकी ज़िंदगी को बोझ बना डालेगी। तब इस कहानी से हम यही सीख लेते हुए कि ज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, भूगोल जरूरी है, इतिहास जरूरी है, लेकिन वहीं तक जहाँ तक वह हमारे सामान्य जीवन में काम आए। अगर वह हमारे जीवन में भार बन रहा है तब हमें समझने की कोशिश करनी होगी और अपने भीतर उस ज्ञान को विकसित करना होगा जिसे हम सामान्य ज्ञान, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, कि किस स्थिति में कैसे बर्ताव करें और उस ज्ञान का सदुपयोग कैसे करें।